सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ग्राउंड एक एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को जो है फेंका गया और वो एक कर्व्ड पाथ से जाता हुआ और फिर कुछ दूर जा करके कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है सेम ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये किस पे हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब बात समझना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड अप्लाई होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा होगा हर पॉइंट पे। तो जब डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है वर्टिकल होना चाहिए, बट इनिशियल जो पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है इन दोनों के बीच में क्या कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? अगर यहाँ पे हम देखते तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तो कोई गैप नहीं है, कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा जीरो। तो कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए ये रहा आंसर, द वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड सोलली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी का किस पे होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे होगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या है, उन इनके बीच में हाइट जीरो है। तो जब जीरो होगी तो W इक्वल टू एम जी एच, एच इक्वल टू हो गया जीरो, तो जीरो पुट कर दिया तो वर्क इज जीरो। तो वर्क डन ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट बाई द ग्रेविटी इज जीरो जूल। क्लियर।